एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के मटके बनाया करता था। सुरेश की माँ इस कुम्हार के काम से खुश नहीं थी। वह सुरेश को अक्सर शहर में काम करने का दबाव डालती थी, लेकिन सुरेश ये बोलता, माँ मेरी खुशी इसी काम में है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। सुरेश की माँ चिंतित थी क्योंकि जल्द ही सुरेश की शादी होने वाली थी और कुछ दिन बाद सुरेश की शादी के लिए घर सजा दिया गया। गांव वालों की उपस्थिति में शादी हो गई। आभा नाम की लड़की से विवाह संपन्न हुआ। एक दिन सुरेश की माँ ने आभा से भी यही बात कही। आभा बेटा, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है। मैंने उसे बाहर जाने के लिए बोला तो मना कर दिया। तुम उसे बोल कर देखो, शायद तुम्हारी बात मान ले। ठीक है माँ जी, मैं उन्हें बोल कर देखती हूँ। अगले दिन आभा सुरेश के पास गई और उसने शहर जाने की बात कही। अजी, आप माँ की बात क्यों नहीं मान लेते हैं? माँ जी तो ठीक ही कह रही है, अगर आप बाहर जाएंगे तो ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। लेकिन सुरेश मिट्टी के मटके बनाने में खुशी जाहिर करते हुए मना कर दिया। अरे भाग्यवान, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे इसी काम में मन लगता है और मैं यही रहकर यही काम करके ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। इस लगन को देखकर आभा समझ चुकी थी कि उनके पति को ये काम बहुत पसंद है। बनाए एक लंबे सुराई वाले मटके को देखकर उसने तारीफ की और कहा, अगर आप इसे मेले में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। ये सुनकर सुरेश उत्साहित हुआ। उसने और मटके बनाए और उस पर चित्रकारी करके उसको रंग दिया। फिर वह मेले जाकर मटके बेचने के लिए खड़ा हुआ। उसके सारे मटके शाम तक बिक चुके थे। उसने घर आकर अपने पिता को बहुत ज्यादा पैसे दिए। उसी रात सुरेश ने आभा से पूछा, अगर हम मिट्टी की फ्रिज बनाएं, यानी मिट्टी की अलमारी जिसमें सब्जी रखी जा सके, जो बिना बिजली के चलती हो, तो कैसा रहेगा? आभा ने बोला, क्या आप ऐसी अलमारी बना सकते हो? फिर हम और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगले दिन सुरेश ने 4 मिट्टी की अलमारी बनाई और मेले में ले जाकर बेचना शुरू किया। लोगों ने इस किस्म की अलमारी पहली बार देखी। उसकी सारी अलमारी बिक गई। एक रिपोर्टर ने उस अलमारी का फोटो खींचकर न्यूज पे छाप दिया। अब सुरेश को अलमारी के लिए ऑर्डर आने लगे। लोग उसके घर जाकर उससे अलमारी खरीदना चाहते थे। ये सब माँ को देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बहू आभा को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कामों में ही फोकस करना चाहिए और हमें किसी के कामों को और उत्साहित करना चाहिए, नए नए आइडियाज देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।